हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 9.4। द नंबर ऑफ मैथमेटिक बुक सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन द कॉन्सिक्यूटिव सिक्स डेज इज शोन बिलो। एक शॉपकीपर है, उसने क्या सेल करा है? मैथमेटिक की बुक सेल करी है। अब उसने दिया हुआ है कि किस दिन उसकी कितनी बुक सेल हुई है। संडे को 65, मंडे को 40, ट्यूजडे को 30, वेडनेसडे को 50, थर्सडे को 20 और फ्राइडे को 70। तो अब क्या बनाना है हमें? ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन चूजिंग द स्केल ऑफ योर चॉइस। अब जो स्केल है वो हमें अपनी चॉइस से बनाना है और इसमें देखना है हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमारा बार ग्राफ एक्यूरेट बन सके। तो देखिए यहाँ पे है, सब नंबर्स क्या है, ये सारे 10 के मल्टीपल में है लेकिन ये 5 के मल्टीपल में है। तो देखिये तो सभी क्या है, 5 के मल्टीपल पे। तो अगर हम 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स ले लें तो सबका निकल जाएगा हमारा, एकदम एग्जैक्ट हम पॉइंट आउट कर सकते हैं उस बार में। तो हमने स्केल यहां पे लिख लेते हैं, पहले 1 यूनिट ऊपर लिख लेते हैं इधर की जगह, 1 यूनिट इक्वल टू 5 बुक्स। ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ। ठीक है, अब यहां पे हम ले लेंगे बुक्स और यहां पे ले लेते हैं नंबर ऑफ बुक्स। यहां पे डेज आ जाएंगे नीचे, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 5 का मल्टीपल लिया है तो कहां तक लेके जाना है? मैक्सिमम नंबर क्या है? 70। तो हमें यहाँ पे मार्किंग करनी है 5 से 70 तक। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 और लास्ट 70। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है, पहला कौन सा डे है? संडे। तो संडे को कितनी बुक सेल हुई है? 65 बुक्स। तो ये है 65 की मार्किंग। तो यहां से हम संडे का ग्राफ बनाएंगे, संडे की बार, ये हो गई 65 बुक सेल हुई है संडे को। इसके अंदर लिख देते हैं संडे। ठीक है, नेक्स्ट है 40 हुई है मंडे को। तब ये 40 कहां पर आ रहा है? ये, तो अगर आप इसको ऐसे ऐसे स्केल रख के लेंगे तो ये यहां तक आया 40। इसके अंदर क्या लिख देंगे? मंडे, ये है मंडे का। ये हो सकता है मेरी थोड़ी तिरछी लाइन बन रही हो, आप नोटबुक में एकदम स्केल से बनाइएगा तो सीधी बनेंगी आपकी। फिर है ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितनी है? 30। तो 30 के हम एकदम सामने स्केल से ऐसे करके सीध लेके ये बनाएंगे ऐसे। ये कौन सी है? ट्यूसडे। तो इसके अंदर लिखेंगे ट्यूसडे। फिर नेक्स्ट है वेडनेसडे 50। तो 50 के आगे एक सीधी मार्किंग करते हुए यहाँ पे ही आया। फिर ये क्या हो गया? वेडनेसडे। फिर नेक्स्ट है थर्सडे, थर्सडे में कितने हैं? 20। तो ये 20 से हम यहां से सीधी लाइन ऐसे पकड़ते हुए ऐसे देखते हुए इधर ये आ गया थर्सडे। इसके अंदर लिखेंगे थर्सडे। फिर लास्ट है फ्राइडे, फ्राइडे में सबसे ज्यादा है 70 तक। तो ये हमने ऊपर लेते हुए इसकी मार्किंग ये सीधी यहाँ पे 70 के लेवल तक ले लिया इस बार को और ये एक पूरा रेक्टेंगुलर बार बना दिया, इसमें लिख दिया फ्राइडे। और यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम डेज,
ये हमारा पूरा बार ग्राफ कंप्लीट हो गया है।